मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने लेसन 6 द क्वायरल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, पोयम था हमारा। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है इसमें। तो इसमें देखेंगे क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स इन दिस स्टैंजा फ्रॉम द पोयम। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है जो पोयम की स्टैंजा दी हुई है, पैराग्राफ जो दिया हुआ है उसमें से हमें देख के इसमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट दिया हुआ है इसमें वी हेटेड डैश अनदर। तो अगर हम स्टैंजा में देखते हैं इसमें तो क्या लिखा हुआ है इसमें, स्टैंजा नंबर थर्ड में देखेंगे वी हेटेड वन अनदर, तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, वन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देख आगे देखते हैं हम लोग, द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। ठीक है, देन सडनली माई ब्रदर। ठीक है, सडनली फिल करेंगे, थम्ड मी ऑन द बैक, थम्ड मी एम ई मी फिल करेंगे। फिर उसके बाद यह है राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। इस बी जो है वो राइमिंग वर्ड से, राइमिंग में वर्ड मतलब क्या होता है देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ब्रदर, जो पोएम है उसकी जो लाइनें हैं उसमें जो लास्ट वर्ड होता है वो हमारा राइमिंग वर्ड में आता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे ब्रदर अनदर मतलब कि अबाउट फेल आउट आउट। ठीक है, स्लाइट राइट मतलब लास्ट के वर्ड जो है वो सेम है, स्ट्रांग रॉन्ग। ठीक है, अनदर ब्रदर मतलब क्या, ब्लैक बैक, अलोंग रॉन्ग, नाइट राइट। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें पूछा था अबाउट था, तो अबाउट का राइमिंग इसमें देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, आउट। स्ट्रांग है, स्ट्रांग का रॉन्ग, नाइट का राइट। इसमें जब हम ब्लैक है तो बैक, बी ए सी के बैक। ठीक, इसमें मैंने और भी कर दिया है, एक लैंग्वेज रीजन था पेज नंबर 39 पे, मैच द मैच अपोजिट जेंडर वर्ड्स। ठीक है, मैच करना था इसमें अपोजिट जेंडर वर्ड को। तो जैसे इसमें हस्बैंड है तो हस्बैंड का क्या हो जाएगा, वाइफ। हस्बैंड को किससे मैच करेंगे, वाइफ। अपोजिट जेंडर लिखना है, जैसे गर्ल का बॉय। बैचलर है, ठीक है, तो बैचलर क्या हो जाएगा, स्पिनिस्टर, सेकेंड में स्पिनिस्टर। फॉक्स है तो फॉक्स का क्या हो जाएगा हमारा, विक्सन, फॉक्स का थर्ड में हो जाएगा। पोएट का पोएटिस। ठीक है, उसके बाद टाइगर है तो टाइगर्स, फिफ्थ में। मॉन्क है, मॉन्क का नन, ठीक है, सिक्स में हो जाएगा। फिर है मॉन्क गैंडर, इसका हो जाएगा हमारा गूज, सेवेंथ में। और पिकॉक का पीहन लास्ट में जाएगा, एट्थ में। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें ये फर्स्ट वाले में वाइफ हो गया था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग मैच कर देंगे इसको और कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज ए बी और सी कंप्लीट करके। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में दूसरे सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे।